नमस्कार दोस्तों दोस्तों कई पेशेंट हमारे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करते हैं केसर गुटखा खाने के कारण माउथ कम खुलता है तो क्या कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज इसका भी जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर भी ऑन कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर आपका गुटखा, सुपारी, खैनी, पान मसाला, तीखे चटपटे पदार्थ के कारण अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम होती आ रही है तो सबसे पहले तो आपको है बैड हैबिट छोड़नी पड़ेगी, जिसमें गुटखा, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, ये जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी तीखा चटपटा पदार्थ है उससे आपको परहेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा। इसका इलाज आप है नजदीकी डेंटिस्ट से करा सकते हैं, नजदीकी डेंटल कॉलेज में करा सकते हैं, नजदीकी मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं, एम्स में करा सकते हैं, लखनऊ के KGMC में करा सकते हैं, सभी जगह इसका इलाज उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन आप लोकल स्तर पे इसमें ना दिखाइए क्योंकि इससे बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। अब ये आप इलाज कराने के बाद इसमें आपको लगभग 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है दवाइयों का, कि 6 महीने तक तो आपको दवाई लेनी है, ठीक है। और किसी किसी को ज्यादा लंबे समय तक भी चल सकती है। इसके साथ साथ आपको है एक्सरसाइज करनी है, परहेज करना है और सावधानियां रखनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है उसका लिंक मैं वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और परहेज क्या करना है, सावधानी क्या रखनी है, ये भी शेयर कर दूंगा। माउथ ओपनिंग इलाज के बाद कितने दिनों में खुलती है, मुकुल खुलना कितने दिनों में चालू होता है, ये भी लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और उसके साथ में दोस्तों आप बात करते हैं कैंसर की। कई लोग का ये कहना होता है कि सर गुटखा खाने का माउथ ओपनिंग कम होती है तो क्या कैंसर हो जाता है। दोस्तों गुटखा खाने का माउथ ओपनिंग अगर कम होती है तो कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप लोग है इलाज समय पे करा लेते हैं, उनकी दवाइयों का कोर्स कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी बैड हैबिट छोड़ देते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ इसके कारण कैंसर नहीं होता। कैंसर किसी और कारण से किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप समय पे इसका इलाज कराते हो और सारी बैड हैबिट छोड़ने के बाद आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो आपको कैंसर होने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।